सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत की बेटियां विदेशी धरती पर अचूक निशाना लगा रही हैं। झज्जर की गोल्डन गर्ल मनु भाकर ने एक बार फिर सटीक निशाना लगाकर भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया। वहीं पंजाब के पटियाला की हिना सिद्धू ने सिल्वर पर निशाना लगाकर देश का नाम रोशन किया। दोनों की कामयाबी से इनके घर पर खुशी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश को कई खेलों में पदक दिलाया। इन सबके बीच खास मुकाबला था शूटिंग के खेल में। शूटिंग में पहला गोल्ड आया और ये गोल्ड लाने वाली कोई और नहीं बल्कि हरियाणा की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली मनु भाकर ने दिलाया। सोलह साल की मनु भाकर ने विमेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड भी बनाया। मुकाबला और भी रोचक तब हुआ जब पंजाब के पटियाला की हिना सिद्धू दूसरे स्थान पर रही। गोल्ड मनु को तो सिल्वर हिना को। इस जीत के बाद दोनों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मनु के परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मिठाइयों और बधाइयों का सिलसिला जारी है। वो भी क्यों ना, साल पहले शूटिंग करियर की शुरुआत करने वाली मनु ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 गोल्ड मेडल जो जीते। मनु ने 240.9 अंक हासिल किए और सीधे गोल्ड पर निशाना साधा। मनु के पिता मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं, माँ सुमेधा टीचर है और बड़ा भाई अखिल IIT की तैयारी कर रहा है। अब मनु की माँ अपनी बेटी के भव्य स्वागत करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। उधर पटियाला में भी इसी तरह हिना सिद्धू के घर पर भी खुशी का माहौल है। हिना ने फाइनल मुकाबले में 234 अंक हासिल किए। पहले दौर में पीछे चल रही हिना ने कुछ देर बाद ऐसा खेल खेला कि सभी के होश उड़ाते हुए वो निचले स्थान से सीधे दूसरे पर आ गए। हिना के पिता को तो पहले से ही विश्वास था कि बेटी मेडल लाकर देश प्रदेश का नाम एक बार फिर रोशन करेगी। वहीं इस जीत के बाद दोनों ही खिलाड़ियों को चारों तरफ से बधाई मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने इन बेटियों को ट्विटर पर बधाई दी। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी ट्विटर पर लिखा, लड़कियां गोल्ड मेडल में सबसे आगे हैं। 6 गोल्ड मेडल में से 4 महिलाओं ने जीते जबकि सिर्फ 2 पुरुषों ने जीते। असली हीरो महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति है। दोनों ही बेटियों की इन उपलब्धियों ने सभी का सीना गर्व से फुला दिया है। हर कोई इन बेटियों के हौसलों को सलाम कर रहा है। झज्जर से सन्नी खन्ना और पटियाला से हरिंदर पाल की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन अवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट्स।